गुड मॉर्निंग गर्ल्स, वेलकम टू आवर डिजिटल क्लासेस ऑफ लालबाग गर्ल्स इंटर कॉलेज। न्यू चैप्टर के साथ 11th क्लास चैप्टर 6, टॉपिक का नाम है विद्यालय शिक्षा के साधन के रूप में। विद्यालय का अर्थ सबसे पहले जानना जरूरी होगा। विद्यालय शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के स्कोला से हुई है, जिसका अर्थ होता है अवकाश। यद्यपि स्कूल का यह अर्थ बहुत विचित्र सा लगता है अवकाश, पर वास्तविकता यह है कि यूनान में इस अवकाश के स्थानों को ही विद्यालय के जो नाम से संबोधित किया जाता था। इस युग में अवकाश काल को का जो मीनिंग था वो था आत्मविकास, जिसका अभ्यास अवकाश नामक निश्चित स्थान पर किया जाता था। अतः अवकाश का अर्थ हुआ आत्मविकास अथवा शिक्षा। धीरे धीरे ये जो अवकाशालय थे ऐसे स्थान बन गए जहाँ पर शिक्षक किसी निश्चित योजना के अनुसार निश्चित पाठ्यक्रम के अंतर्गत शिक्षा प्रदान करते थे, और इसमें आधुनिक युग में स्कूल का एक भौतिक अस्तित्व होता चला गया, जिसकी चार दीवारी में बालकों को शिक्षा दी जाती थी। अवकाश शब्द का स्पष्टीकरण करते हुए A.F. लीच की जो डेफिनेशन थी उसको बहुत ध्यान से सुनेंगे। वाद विवाद या वार्ता का के स्थान, वाद विवाद यानी कि हम जो डिबेट कॉम्पिटिशन के नाम से जानते हैं कि किसी भी टॉपिक के बारे में पक्ष में कुछ बातें होती हैं और कुछ उसके विपक्ष में होती हैं। वाद विवाद या वार्ता के स्थान जहां एथेंस के युवक अपने अवकाश के समय को खेलकूद, व्यायाम और युद्ध के प्रशिक्षण में बिताते थे। कौन कौन सी बातें थी जो एथेंस के युवक करते थे? एक था खेलकूद, यानी वहां पर वो खेलते कूदते थे, एक्सरसाइज करते थे और युद्ध में के प्रशिक्षण के लिए वहां पर वो अभ्यास करते थे। धीरे धीरे दर्शन तथा उच्च कक्षाओं के स्कूलों में बदल गए। ये जो स्थान थे वो धीरे धीरे क्या हुआ, दर्शन यानी फिलोसफिकल एजुकेशन और उच्च कक्षा हायर एजुकेशन के रूप में बदल गए। एकेडमी के सुंदर उद्योगों में व्यतीत किए जाने वाले अवकाश के माध्यम से इस विद्यालयों का विकास हुआ। विद्यालय की परिभाषा जॉन डीवी की सुनेंगे। विद्यालय एक ऐसा विशिष्ट वातावरण है जहां बालक के वांछित विकास की दृष्टि से उसे विशिष्ट क्रियाओं तथा व्यवसायों की शिक्षा दी जाती है। इसी संदर्भ में J.S. रॉस ने भी एक डेफिनेशन दी। स्कूल वे संस्थाएं हैं जिन्हें सभ्य मानव ने इस दृष्टि से स्थापित किया है कि समाज में सुव्यवस्थित तथा योग्य सदस्यता के लिए बालकों की तैयारी में सहायता मिले। इन बातों को सुनने के बाद ये तो आपको स्पष्ट हो गया होगा कि विद्यालय एक ऐसा स्थान है जहां पर एक ऐसे व्यक्तित्व का निर्माण किया जाता है जो कि सभ्य एवं सुसंस्कृत हो, और जो विद्यालय से बाहर निकल के जिस समाज में वो प्रवेश करता है तो समाज में भी उसका एक ऐसा प्रतिष्ठित स्थान हो जिससे कि विद्यालय का नाम भी हो और समाज में भी उसका एक अपनी ही महत्वपूर्ण भूमिका हो। तो गर्ल्स, ये तो था विद्यालय के बारे में। विद्यालय किसे कहते हैं, विद्यालय की डेफिनेशन क्या है। नेक्स्ट जब मैं मिलूंगी आपको तो मैं बताऊंगी कि विद्यालय का महत्व क्या है, यानी इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन एंड विद्यालय की धारणा, कॉन्सेप्ट ऑफ स्कूल। इन दोनों टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर से मिलते हैं। थैंक यू सो मच गर्ल्स।